नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज से सात दिन पहले न रे, आज से 7 दिन पहले क्या क्या थे? सब्जी गाड़े थे। यहाँ पे देखिए, ये स्पॉट है वो जहाँ पे हम लोग 7 दिन पहले सब्जी गाड़े थे। आज से 7 दिन पहले सब्जी को दफना दिए थे जमीन के अंदर यहाँ पे, और आज जो है हम उसी सब्जी को निकालने वाले हैं और देखेंगे 7 दिन के अंदर में क्या हुआ। सब्जी को रखने के बाद 7 दिन में ये चैलेंज था, 7 डेज अंडरग्राउंड सब्जी रखने वाला, देखते हैं क्या हुआ सब्जी का, नहीं हुआ। पहला ये देखिए, ये जगह है, ये निकाल रहे हैं यहाँ पे खोद के जो सब्जी है यहाँ पे रखा हुआ। यहाँ देखिए निकाल रहे हैं। गाइज ये देखिए, अभी जो है आधा जो है गड्ढा खोद चुके हैं और जो है हल्का हल्का देखिए यहाँ पे सब्जी दिखने लगा है हमको। ये देखिए कदीमा जो डाले थे यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का पका है, ये देखिए इधर इसका जो साइड है हल्का हल्का पका लग रहा है। और बाकी बात जो है अभी खाने लायक है, ये अभी भी खाने लायक है, बस हल्का हल्का सा पका है। यहाँ पे देखिए प्याज था, ये देखिए प्याज भी जैसा था वैसा ही है 7 दिन के बाद। और यहाँ पे आलू देखिए, आलू भी है जैसा था वैसा ही है अभी भी। ये देखिए 3 आलू, और जो है ये रहा कटहल का सत्यानाश हो चुका है। कटहल देखिए पूरा तरीका से सड़ चुका है, ये देखिए कटहल का क्या हाल हुआ। कटहल जो है पूरा तरीका से 7 दिन अंदर गड्ढा में रहने के बाद, अंडरग्राउंड रहने के बाद देखिए कैसा सड़ चुका है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हल्का फल्का जो है निकल चुका है सब्जी। यहाँ पे देखिए खीरा यहाँ पे निकला, ये देखिए खीरा भी जो है पूरा पल पल करने लगा है। देखिए ऊपर में जो है ये फंगस टाइप का कुछ हो गया है ऊपर में, वाइट टाइप का, ये देखिए। तो इसको भी यहाँ रखते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो सब्जी रखे थे उसका क्या हाल हुआ। ये देखिए ये कद्दू भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये जो गड्ढा था वो ख़राब होने वाला था, सारा सब्जी ख़राब जो होने वाला था 1-2 दिन के अंदर में वो इस गड्ढे में दिए थे। और उस गड्ढे में जो उधर गड्ढा दिख रहा है आप लोगों को, जो सब्जी ख़राब नहीं होता है, और बाकी इस गड्ढे में जो है ख़राब होने वाला सब्जी रखे हैं। ये टमाटर जो है देखिए, एक टमाटर जो है पूरा सड़ चुका है यहाँ पे, ये देखिए सरा हुआ टमाटर पूरा सरा हुआ लग रहा है। और इसमें जो है ये नहीं ये जो है नेनुआ था, झींगा का देखिए ये भी सड़ चुका है पूरा, नेनुआ का क्या हाल हुआ है, पूरा सड़ चुका है। और एक टमाटर देखिए पूरा टाइट है, जैसा का था वैसा ही है अभी भी इसमें। और जो है इसमें बैंगन वगैरह था उसका देखते हैं क्या हाल हुआ। ये देखिए ये रहा मूली पूरी तरीका से देखिए, जबकि मिट्टी के अंदर में ही रहता है और ब्लैक हो चुका है। ये देखिए आपको अच्छे से साफ करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ब्लैक हो चुका है और सड़ गया है पूरा, ख़राब हो चुका है। और जो है देखते हैं ये देखिए ये ग्रीन कलर का बैंगन, इसका क्या हाल हुआ, ये पूरा तरीका से सड़ गया है। और अभी इसमें छोटा वाला बैंगन भी था वो देखते हैं, ये देखिए ये नहीं ख़राब हुआ। यहाँ देखिए ये रहा आपको जो कि ग्रीन वाला बैंगन था, और ये देखिए ये जो है हल्का जो है बैंगनी टाइप का बैंगन है, ये देखिए ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ है, और देखिए कितना सही है, खाने लायक है ये अभी। और इसमें मिर्च भी है, तो मिर्च भी देखिए गल गया है पूरा तरीका से। देखिए शिमला मिर्च का क्या हाल हुआ है, ये देखिए शिमला मिर्च का क्या हाल हुआ, पूरा तरीका से सड़ गया है। कदीमा खाने लायक है, बस थोड़ा सा इधर से जो है पक गया है। और कद्दू जो है पूरा ख़राब हो चुका है, ये देखिए पूरा ख़राब हो चुका है। और देखिए खीरा भी पूरा ख़राब हो चुका है, एकदम पल पल कर रहा है दबाने पे। और यहाँ ये देखिए कटहल, 7 दिन तक रखने के बाद कटहल का कितना ख़राब हाल कर दिया है ये। और जो है ये नेनुआ का, और देखिए मूली का, और जो है देखिए टमाटर और बैंगन का क्या हाल किया है। तो गाइस यहाँ पे देखिए भिंडी भी था, भिंडी अब देखते हैं, भिंडी का तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं। ये देखिए भिंडी का थोड़ा सा जो अंश मिला है, पूरा मतलब भिंडी जो है मिट्टी में ही मिल गया है। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर आपको कुछ लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए इस पर, तो वो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके उस टाइप का वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है आपका, बस एक लाइक कीजिए और जो है बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।